Assalamualaikum, मैं उराजा खान, आप देख रहे कूल स्टार एपी इन यूट्यूब। सो गाइस, आज मैं आप लोगों के लिए लेकर के आया हूँ एक आई एफ बी का टॉप लोड वॉशिंग मशीन है, जिसमें कि ड्रम बहुत आवाज कर रहा है, बैलेंसिंग सही नहीं है, तो उसमें क्या क्या प्रॉब्लम है, क्या क्या हम चेंज करते हैं, ये सब आपको इस वीडियो में मिलने वाला है। तो वीडियो को पूरा देखिए, पसंद आता है तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, और भी ज्यादा पसंद आता है तो लाइक कर लीजिए वीडियो को, और भी ज्यादा पसंद आता है तो दोस्तों में शेयर कर लीजिए, और इस वीडियो को अच्छी से समझ लीजिए ताकि आपको आइंदा किसी भी वॉशिंग मशीन में प्रॉब्लम ना हो, भेजे में उतार लीजिए। तो चलिए गाइस शुरू करते हैं। तो ये है आई एफ बी का टॉप लोड वॉशिंग मशीन 6.5 kg। इसको आज हम लोग, इसका जो ड्रम का बैलेंसिंग रॉड होता है, स्प्रिंग होता है चार साइड में चार, वो हम खोलने वाले हैं और उसको नया डालने वाले हैं। तो हमारी वीडियो के साथ जब पूरी बने रहिए, आप पूरा वीडियो देखिए ताकि इसको हम किस तरह से खोलते हैं। ये जब रिंग मॉडल का आता है तो बहुत से हमारे भाई जो हैं खोलने में बहुत परेशान हो जाते हैं, अक्सर ये रिंग जो है टूट जाता है उनसे। तो मैं आज बहुत ईजी और सिंपल आपको बताने वाला हूँ कि इसे किस तरह से खोला जाता है। ओके गाइस, तो कंटिन्यू हमारे वीडियो को देखिए। तो इसे हम पहले थोड़ा सा यहाँ से पुश कर लेते हैं एक टेस्टर या फिर स्क्रूड्राइवर की मदद से, तो ये इस तरह से बाहर आ जाएगा, ये प्लेट जो है बाहर निकल गया। ओके, यहाँ का प्लेट। अब यहाँ पे एक स्क्रू है, इसको पहले खोल लेते हैं स्टार स्क्रूड्राइवर की मदद से। तो ये जो है खुल गया स्क्रू। अब इसमें एक मेन पॉइंट आपको बता रहा हूँ, वो आप नोट करिएगा, अपने दिमाग में अपने भेजे में जो है अच्छे से बैठा लीजिएगा, समझ लीजिएगा। ओके, ये रिंग है, यहाँ पे एक स्क्रू था, यहाँ पे आपको एक स्पेस दिख रहा है, ये देखिए, ये खाली प्लेस। ये खाली प्लेस किस लिए है? ये जो अब हम इस रिंग को इस साइड ऐसे घुमाएंगे, इस साइड में टर्न करेंगे इस साइड, तो फिर इसका जो लॉक होता है चारों साइड में वो ओपन हो जाएगा। ओके, तो ये देखिए, माता है घुमा बेटा। ओके, ये देखिए यहाँ पे गैप बन गया। ओके, अब इसको जो ऊपर उठाएंगे किसी स्क्रू ड्राइवर की मदद से। ये देखिए, आपको रिंग दिखा रहा हूँ, बहुत सावधानी से उठा लेना, ये देखिए कहीं भी नहीं टूटा है। ओके, इसमें जो लॉक होता है ये देखिए, ये लॉक, ये लॉक, ये लॉक, इस तरह से हर तरफ में लॉक है आपको। ओके, ये लॉक जो है हटाइए, इसमें आके बैठता है, ये देखिए, ये जब हम इधर घुमाते हैं, इधर टर्न करते हैं, इस ओर में जब हम टर्न करते हैं तो यहाँ से बाहर आता है, ऐसे ही हर तरफ है ये लॉक। ओके, अब यहाँ पे आपको दिख जाएगा मेन स्क्रू, जिससे हमारा ये बॉडी ओपन होएगा टॉप। तो यहाँ पे आप एक देख रहे हैं, एक यहाँ पे देख रहे हैं, ये दोनों को हमें ओपन करना है, हल्का से पुश करना है लेफ्ट की ओर। मैं करूँगा पैनल उठाने के बाद, लेफ्ट एंड राइट साइड दो स्क्रू आते हैं, उसको खोल लेना है, पीछे के ओर दो स्क्रू वो भी ओपन कर लेना है, ये दोनों। टर्न, बस ऐसे उठा कर पकड़े हुए हैं। आराम से, बस बस। तो गाइस आप देख रहे हैं कि मैंने ये स्प्रिंग निकाला हूँ, ये चारों बैलेंसिंग रॉड में से जो है तीन रॉड जो है ओके है, एक रॉड को जो है स्प्रिंग, ये देखिए पूरा रस्ट जंग लग गया है। इसके वजह से मैं क्या कर रहा हूँ कि चारों चेंज कर रहा हूँ, क्योंकि चारों का जो है टेंशन और बैलेंसिंग एक ही रहता है, अगर एक चेंज करते हैं तो आगे चल के लाइफ में फिर प्रॉब्लम आएगा। तो आप भी इसी तरह करें, इस तरह मैं देखिए चार नया लेकर आया हूँ। ओके, ये चारों डाल दूंगा, ये पुराने रॉड का जो टॉप में सॉकेट आता है उसी को मैं नए वाले में डाल रहा हूँ, बना लेते हैं ताकि सूट हो जाए। तो
और ये गाइस आप देख सकते हैं कि ये फिट हो चुका है, देखिए बैलेंस आ गया है। लास्ट में जो है फाइनल क्लीन कर देते हैं जरा, ओके, ताकि देखने में भी अच्छा लगे। ये ड्रम भी एकदम सेंटर आ गया है इस साइड। उसके बाद रिंग को जिस तरह से खोले थे उसी तरह से आराम से रख करके चारों तरफ सेट होने के बाद हल्का से टर्न करते जाना है, जब तक के आपका होल टू होल मैच ना हो जाए। ये जो स्क्रू का होल है ये मैच हो जाना है, ओके। अच्छा से संभाल कर ध्यान से फिट कर लीजिए। उसके बाद एक बार हाथ घुमा कर डालिए, सारी ओर चेक कर लीजिए बैठा है कि नहीं। स्क्रू लेकर के स्क्रू की जगह में टाइट कर दीजिए। आगे पूरी वीडियो देखते रहिए। ఇక్కడ ఎడ్జెస్ట్ చేశారండి బోల్ట్స్.